to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. And the question is, which one of the following is not considered, which of the following is not considered as a part of endomembrane system? Okay, तो देखो endomembrane system होता क्या है कि हमारे कुछ organelles होते हैं जो मिलकर एक दूसरे से coordinated way में work करते हैं. ER, Golgi body, lysosome and vacuole. ये हमारे मतलब कि चार ऐसे वैक्यूल, ये चार ऐसे ऑर्गन होते हैं, ये मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं एंड प्लस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं. दैट्स व्हाई दे कम्स अंडर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. दे कम्स अंडर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. अब आते कि आखिर ये कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं, तो सबसे पहले ER के बारे में आते हैं. देखो तो ER में क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होता है RER और एक होता है ACR. ठीक है, RER जो होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करता है एंड ACR जो होता है वो लिपिड सिंथेसाइज करता है. ठीक है, तो लिपिड एंड प्रोटीन बना दिया. उसके बाद आते हैं गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी क्या होता है, उन प्रोटीन एंड लिपिड को मॉडिफाई करता है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन दैट इज सिंथेसाइज बाई ER. उसको मॉडिफाई करेगा, उसकी पैकेजिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा. ठीक है, पैकेजिंग करेगा. उसके बाद तब होता है लाइसोसोम. लाइसोसोम में क्या होते हैं, सबसे पहले मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन हो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, लिपिड होता है एंड प्रोटीन होता है. लिपिड ACR बना रहा है, प्रोटीन RER बना रहा है. साथ ही साथ लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ना, और एंजाइम्स क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट द प्रोटीन. एंड प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ हो रही है, RER कर रहा है. ठीक है, तो एक तरह से लाइसोसोम RER मतलब कि कहीं ना कहीं लिपिड प्रोटीन से पूरा मिलकर बना हुआ, उसके स्ट्रक्चर एज ए फंक्शन वो ER बना रहा है. ठीक है, और ER बना दिया, लिपिड प्रोटीन बना तो दिया, बट उसकी पैकेजिंग कहाँ हो रही है, गोल्जी बॉडी में हो रही है ना. सो अगर लाइसोसोम की अगर सिंथेसिस का अगर पाथवे देखे, पहले ER में बनता है लिपिड प्रोटीन, उसकी पैकेजिंग होती है गोल्जी बॉडी में एंड देन उससे लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है. सो वी कैन से दैट लाइसोसोम दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस. ठीक है, अब लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेशन करता है. डाइजेशन के बाद जो भी हमारे वेस्ट आते हैं, ठीक है, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट आता है उसे कहाँ स्टोर करते हैं, वैक्यूल में स्टोर करते हैं एंड वैक्यूल से फाइनली एक्सोसाइटोसिस से क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है. सो इस तरह हम देख सकते हैं कि चार मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हमारे पास हो गए, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल. चारों मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर, इनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई दे फॉर्म द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. सो हमारा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो होता है, वैक्यूल भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, प्रोक्सीसोम नहीं होता है. ठीक है, प्रोक्सीसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. यस, प्रोक्सीसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो होता है बट ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है. प्रोक्सीसोम का फंक्शन क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन. बीटा ऑक्सीडेशन हम करते क्या है कि जो फैटी एसिड होता है ना उसे टू कार्बन कंपाउंड दैट इज एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं. इसमें लार्ज अमाउंट में ATP रिलीज होती है. इसके अलावा प्लांट में ये फोटो रेस्पायरेशन भी करता है बीटा मतलब प्रोक्सीसोम. ठीक है, इसका फंक्शन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से, इन चारों ऑर्गेनिक से रिलेटेड नहीं है. सो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्सीसोम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म इंटरेस्ट टेस्ट डॉट ऑनलाइन फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियो.